ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इसे कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको जब मैंने इस जगह का आखिरी अपडेट दिया था तो उस वक्त पे ये जो पिलर्स थे उनको कनेक्ट किया जाना था। इस साल के इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दूसरे अपडेट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, और ये है पिलर नंबर वन और आज की डेट में इस पिलर नंबर वन को फाइनली कनेक्ट करने का जो काम है वो तो कर दिया गया है। जी हाँ, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम कंप्लीट और अब यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो काम किया जाएगा यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनाने हैं, यानी ये जो गैप देख रहे हैं आप, इनको यहाँ पर फिल करने का काम किया जाएगा। और इनफैक्ट उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर सरिया डाला जा रहा है। वैसे ये ज़्यादा पिलर है नहीं, पिलर नंबर 10 तक ही ये काम किया जाना है। पिलर नंबर 10 के आगे, तो आगे अगर आप देखोगे तो वो जो सेगमेंट डाला गया है उस पर ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ था। जी हाँ, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये यूपी के दादरी से स्टार्ट हो रहा है, जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। और इस प्रोजेक्ट की बदौलत ही इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा सकता है। कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है वो है L&T और ये जो लाइन बनाई जा रही है पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए बनाई जा रही है। जरा आप कल्पना कीजिए, यहाँ से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी तो क्या अद्भुत नज़ारा होने वाला है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से वो नज़ारा होगा, क्योंकि ये जो चट्टान आप देख रहे हैं इन सभी को काटकर हटाया जाना है और यहाँ पर अर्थवर का काम किया जाना है। तो ये जितनी भी चट्टान है इन सभी को काटकर हटाया जाएगा और अर्थवर का जो काम है, ये जितनी हाइट इसकी दिख रही है ना, इतनी हाइट तक अर्थवर का काम किया जाएगा। तो ये जो एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है ये बेसिकली बनाया गया है क्योंकि इसे इस सोना रोड को क्रॉस करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि ये फ्लाईओवर के ऊपर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अर्थवर का काम किया गया है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर काम किया गया है। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये है तकरीबन 50,000 करोड़ का। L&T कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है और 2023 में इस जगह पर बड़ा ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आज से ठीक एक साल बाद 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2023 में ये बनकर तैयार जब हो जाएगा तो यहाँ से जब इंडियन रेलवे की मालगाड़ी गुजरेगी वो भी डबल डेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आप कल्पना कीजिए क्या नज़ारा होने वाला है। यहाँ पर तो अर्थवर का काम किया जाएगा, तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप देख रहे हो, तो इस गैप को जो भरा जाएगा वो मिट्टी डालकर यहाँ पर इस गैप को फिल किया जाएगा। चलिए अब इस तरफ चलते हैं क्योंकि ये देखना है, आपको ये दिखाना है एक्चुअली कि किस तरीके से अर्थवर का काम किया जा रहा है। तो पहले मैं ये देख लूँ कि रास्ता किधर से है, शायद मैं इस तरफ से जा सकता हूँ। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा अर्थवर्क का काम किया जाना और इसी वजह से ना, उससे पहले इन पहाड़ों को काटकर यहाँ से हटाया जाना है, यानी कि ये जो चट्टान है इनको यहाँ से काटकर हटाया जाना है, उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं इस पूरे हिस्से पे कटिंग का काम किया जाना है और जब कटिंग का काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद इन पत्थरों को यहाँ से हटाया जाएगा और आगे जो अर्थवर्क का काम किया गया है उसमें ये कनेक्ट होने वाला है। इन चट्टानों को काटकर हटाए जाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद ये जो एलिवेटेड हिस्सा है ये आकर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो ये चट्टान है बीच में, इनको काट कर हटाया जाना है, फिर अर्थवर्क का काम किया जाना है, तब जाकर ये आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये देखो कितने हेवी पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। जी हाँ, ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है, इसी मशीन की मदद से यहाँ पर आसपास जो पत्थर काटने का काम है वो किया जाएगा। और ये हुंडई कंपनी की मशीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इनको भी काट कर हटाया जाएगा और दूसरी तरफ जो अर्थवर्क का काम है वहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाएगा और उसका काम अभी आपको देखने को मिलेगा भी। ये आसपास ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया इसके आसपास का भी जो पत्थर है इसको निकाला जाएगा और ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो आपको नहीं दिखने वाला है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी डालने का काम भी किया जाएगा। और इनफैक्ट मिट्टी नहीं, यहाँ पर ये जो रोड़ी बजरी देख रहे हो ना ये डाला जाएगा। ये यहाँ पर अब इन क्रेनों को डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है। इन क्रेनों का काम यहाँ पर होता है ख़त्म और इसी वजह से अब इनको डिसमेंटल किया जा रहा है। तो पहले ये वाला जो क्रेन है इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, उसके बाद जो दूसरा क्रेन आप देख रहे हैं उसे भी डिसमेंटल किया जाएगा। ये जगह बेशक ही शहर के चकाचौंध से दूर है, लेकिन एक दिन शहर खुद इसके पास चलकर आएगा। जी हाँ, आज इस जगह पर आपको ज़्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिलती, लेकिन आने वाले वक्त में इस सोना रोड के साथ साथ इस सोना का भी भाग्य पूरी तरीके से उदय होगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, IMT सोना, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, बेशक ये शहर से दूर है, लेकिन शहर एक दिन खुद ही चलकर यहाँ तक आएगा। जैसे ये एलिवेटेड पार्ट खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पर अर्थवर्क का काम हमें और आपको देखने को मिलेगा। और ये जो स्टॉक यार्ड है, अब ये पूरी तरीके से खाली दिखता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर से वो तो सभी के सभी हटा लिए गए हैं। इस पे जो लगाया जाना था इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर, वहाँ पर लगा दिया गया। तो अब ये स्टॉक यार्ड पूरी तरीके से खाली हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ये जो जगह है ये पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। तो अब यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा। और ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, इस हिस्से को कनेक्ट जो करना है, तो ये इसका आखिरी पिलर है और इसके बाद अर्थवर्क का काम किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये पूरी तरीके से जगह जो आप देख रहे हो ना, खाली दिख रहा है। तो सामने जो अर्थवर्क का काम देख रहे हो ना, जितनी हाइट तक अर्थवर्क का काम किया गया है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो देख रहे हो, इतनी हाइट तक इस जगह पर भी अर्थवर्क का काम किया जाना है। जी हाँ, और इसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर से, इन सभी को हटा लिया गया है। कुछ ये जो है इनको भी हटाया जाएगा और अब इस पे काम देखने को मिलेगा हमें और आपको अर्थवर्क का। जी हाँ, तो अगला जब अपडेट आएगा ना, तो इस जगह पे पूरा मिट्टी का टीला आपको दिखने वाला है और फिर जाकर ये कनेक्ट होगा। इतनी हाइट तक अभी यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा, क्योंकि मिट्टी का पूरा पहाड़ सा बनाया जाएगा और उसकी हाइट इस पिलर तक की जानी है। तब उसके बाद यहाँ पर पटरी डालने का काम किया जाएगा। यहाँ पर वैसे देखोगे तो पिछली बार के मुकाबले अर्थवर्क का जो काम है वो ज़्यादा हो चुका है। जी हाँ, तो अगर ये जो मिट्टी का कलर है ना, इससे भी आपको पता चल सकता है। तो ये जो मिट्टी का कलर देख रहे हो, ये आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये फ्रेश यहाँ पर डाला गया है, फ्रेश मिट्टी है। इस वजह से आगे इसके देखोगे तो वो बहुत पहले ही डाल दिया गया था। और आगे अगर आप जाएंगे तो हमें और आपको देखने को मिलेगा कि जो कि अर्थवर्क का काम है वो कर लिया गया, क्योंकि वो तो बहुत ही पहले कर लिया गया था। पिछले साल ही जितने भी पिलर्स बने थे, उन सभी को बनाने के लिए यहीं से सारे मटेरियल्स गए थे। जी हाँ, इसी स्टॉक यार्ड से LNT के। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे। वैसे फैक्ट बताऊं तो जब ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन बन जाएगी, उसके बाद ऐसे नज़ारे हमें नहीं दिखेंगे। ये तो सिर्फ दिखेगा वो जो ट्रेन का ड्राइवर होगा उसे ही। जी हाँ, और उसके साथ जो उसकी टीम होगी उनको। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लूँ, इससे पहले कि इस पे रोड़ी बजरी का काम हो जाए, उससे पहले थोड़ा सा ड्राइव कर लूँ और आपको दिखाऊँ कि कैसा नज़ारा दिखेगा। तो ये है इस जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। इसका तो अपडेट आपने देखा ही होगा। नहीं देखा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का तो जाकर देखो, चैनल पर आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरे अलाइनमेंट पर काम किया जा रहा है। हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि सबसे लंबा हरियाणा में फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है वो इसी जगह पर बनाया जा रहा है, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। जाइए जाइए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।